आज पूजा और नरेन की शादी हो रही है, मतलब ये क्या हो क्या रहा एग्जैक्टली? शादी तो हो चुकी है पर जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ, आज धूमधाम से हो रहा है, क्या बात है? जी बिल्कुल, जैसे ऑडियंस ने देखा है पूजा और नरेन को, उनकी शादी तो हुई है, उन्होंने देखा है कि भाई पानी में भी सिंदूर भरा है, मरघट पे भी नरेन पूजा की शादी हुई है, लेकिन मंडप पे कभी दोनों की शादी नहीं हुई। आज जब मेघना की शादी हो रही है तो पूजा ऐसे ही सोच सोच में नरेन से बातें करते हुए एक ऐसे ही ड्रीम सीक्वेंस में चली जाती है, जहाँ पे वो कहती है कि काश हमारी शादी इसी तरह मंडप पे होती, मेघना हम लोगों का गठबंधन करती, पूरी फैमिली होती, जहाँ पे फूल बरसाती, जो हर एक इंसान का, हर एक दुल्हन का, हर एक यू नो किसी भी लड़की का सपना होता है। तो नरेन और पूजा के बीच में वो मैजिकल मोमेंट था कि वो इमेजिन कर रहे थे कि हमारी अगर शादी होती ऐसे ही किसी क्या बोलते हैं उसको मंडप, क्या अगर नरेन और पूजा की मंडप पे शादी होती तो किस तरीके से होती। ड्रीम में तो हो गई, असलियत में क्या हम देख पाएंगे ऐसे मंडप पे शादी? असलियत में हो ही नहीं पाई, इसीलिए आप लोग देख नहीं पाए, लेकिन क्योंकि यू नो नरेन पूजा की भी विश थी, जिस तरीके की हमारी ऑडियंस की भी विश है कि उनको मंडप पे एक बार शादी करते हुए देख लेते हैं, तो ड्रीम सीक्वेंस के थ्रू ही दिखा दिया। तो कह रहे हैं कि अभी शादी हो रही है तो क्या ये आउटफिट शादी का है? तो हाँ बिल्कुल, ये आउटफिट जो है मेघना की शादी का है, इकलौती ननंद है तो खूबसूरत बन के जाना था, और जो शादी का थीम था वो ब्रोकेड थीम था, इसीलिए ये जो लहंगा चोली पहनी है, लहंगा इज़ ऑफ पिंक कलर और गोल्डन कलर का ब्लाउज है मिक्स्ड विद सम ग्रीन और यू नो ग्रीनिश ब्लू दुपट्टा, और इसके साथ एक पिंक कलर का दुपट्टा और है, और ज्वेलरी जो है वो लाइट रखी है, थोड़ी कुंदन का एक नेकलेस है और ईयरिंग्स है और रिंग्स कुछ इस तरीके की हैं, मेहंदी भी लगी हुई है हाथ में पूजा के, और ज्वेलरी लाइट रखी है। और हम देख रहे हैं कि भाभी अपने ननंद को शादी के लिए तैयार भी कर रहे हैं, तो कितना वो एक्सपीरियंस कैसा है जब तैयार? बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लोज है, बहन है नरेन की और पूजा की इकलौती ननंद है, उसको तैयार होते हुए देखकर एक मतलब अच्छा तो लग ही रहा है, साथ में काफ़ी रिलीव्ड है पूजा, इस तरीके का उसको संतुष्टि मिल रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक जा रहा है, जिस तरीके के उससे संकेत आ रहे थे वैसा कुछ हो नहीं रहा अब फिलहाल के लिए, तो वो काफ़ी खुश है और वो बस चाहती है कि जो उसे संकेत आए थे वो अब बिल्कुल वैसा कुछ ना हो और शादी जो है बहुत ही आराम से और अच्छे से हो जाए। तो वैसे तो फैंस जानना चाहते हैं कि क्या पूजा और नरेन का भी ऐसे शादी मंडप में होगा या क्या होगा, वो फैंस को क्या कहना चाहोगे? अभी कितनी बार पूछेगी, बता तो दिया बता तो दिया, लास्टली बोलते हो क्या बोल ये अच्छा वो बोलती हूँ हाँ तो कुछ क्वेश्चन कर तभी बोलती हूँ। फैंस को क्या कहना चाहोगे? फैंस को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जिस तरीके से हमें प्यार कर रहे थे उसी तरीके से करते रहिए और हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे, और अभी जो है फिलहाल पिया अलबेला में खूब सस्पेंस वाला ड्रामा आने वाला है, एंड इज यू नो बहुत ही अच्छा ड्रामा आने वाला है, तो आप लोग देखते रहिए एंड देखते रहिए, अभी कितनी बार बोल रही है देखते रहिए पिया अलबेला, अरे देखते रहिए पिया अलबेला।